हेलो फ्रेंड, कुछ नए DIY लेकर आपके साथ एक बार फिर से है इंडियन मॉम नीता। तो चलिए, आज जो है तो हमने 3 DIY तैयार किए हैं, जो कि प्लास्टिक की बॉटल और मिठाई का जो डिब्बा था तो उससे हमने DIY तैयार किए हैं। ये बिल्कुल ज़ीरो बजट में तैयार हुए हैं और साथ में कोई भी इसमें खर्च नहीं आया है। और इनको चाहे तो आप प्लांटर की तरह यूज़ करिए या फिर स्टोरेज की तरह, इनको किसी तरह से भी आप अपने यूज़ में ला सकते हैं। ये इस तरह से बनाए गए हैं कि बहुत छोटे छोटे जो सामान हैं तो उनको भी आप रख सकते हैं। जैसे ये बास्केट है जो कि आप बच्चों की जो स्टडी टेबल होती है तो उस पर रख दीजिए, और साथ में उसमें आप पेन पेंसिल वगैरह डाल के रख दीजिए या फिर ड्रेसिंग में रख दीजिए। तो ये इस तरह से छोटे छोटे सामान के लिए काफ़ी अच्छे हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं और देखते हैं कि इसमें हमको क्या लेना है। सबसे पहले ले ली है एक प्लास्टिक की बॉटल, जिसको कि हमने कट कर दिया था। साइज़ आप अपने हिसाब से ले लीजिएगा, छोटा बड़ा जैसा करना है उस हिसाब से आपको लेना है। इसके बाद जो जूट की रस्सी थी, तो फेविकोल पहले हमने बॉटल पे लगा दी थी और उसके बाद जूट की रस्सी को इस तरह से हमने लगा दिया था। आधे तक इस रस्सी को हमको लगाना है। अब इसके बाद जो है तो आधे लगाने के बाद हमको इसके हैंडल तैयार करने थे, जो कि हमने जो जूट की रस्सी थी तो इसको हमने चोटी की तरह बना लिए थे और दोनों एक साइज़ के ले लिए थे, जिससे कि इसका हम हैंडल तैयार करेंगे। थोड़े से ये मोटे इसलिए तैयार किए थे कि ये काफ़ी सुंदर लगेंगे। और इधर पर बस फेविकोल लगाकर इनको हमको फिक्स कर देना है। अब इसके बाद जो जूट की रस्सी है हमारी, तो इसको हम पूरे में लपेट देंगे, जिससे कि हैंडल में भी मजबूती आ जाएगी। तो ऊपर तक फेविकोल लगाते हुए इसको हमको लपेट देना है। और आप देख सकते हैं कि काफ़ी सुंदर सा ये बन के तैयार हुआ है। और ऊपर तक इस तरह से कि बीच में जो जगह है तो बिल्कुल भी दिखाई नहीं देना चाहिए, और इस तरह से ऊपर लगा के इसको कट कर देंगे। अब इसके बाद आप कुछ भी जो आपके पास लेस वगैरह है तो उसको आप लगा सकते हैं, या फिर रिबन है तो उसको आप इस तरह से लगा सकते हैं। छोटे यदि कोई फ्लावर वगैरह डले हैं तो उनको भी आप इस पर लगा सकते हैं। तो देखिए, इधर पर हमने दोनों साइड लेस लगा दी थी, क्योंकि ऊपर नीचे थोड़ा सा सुंदर नहीं लग रहा था, तो वो लेस हमने इधर पर लगा दी है। और देखिए, इधर पर हमने प्लांटर की तरह इसको रखा है, जो कि काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। और ये बास्केट जो है तो हमको सबसे अच्छी लगी थी, क्योंकि देखने में ये काफ़ी खूबसूरत बन के तैयार हुई थी। तो चलिए देखते हैं कि दूसरा जो हमारा DIY है उसको कैसे बनाना है। तो देखिए, इधर पर खाली बॉटल ली है, जिसको कि हमने ऊपर से कट कर दिया है। और ये हमारे कुर्ते के नीचे जो दामन होता है तो उसमें ये लगा हुआ था, तो उसको हमने निकाल दिया है। तो बस इसको बॉटल पर हमको या तो ग्लू गन की सहायता से या फिर फेविकोल से आप इसको अच्छे से चिपका लीजिए। और देखिए, ऊपर और नीचे जो है तो उतनी अच्छी फिनिशिंग नहीं लगती है, तो दोनों साइड हम लेस उसमें लगा सकते हैं। तो इधर पर हमने गोल्डन कलर की लेस लगा दी है, जिसके कारण कि वो अच्छा लगने लगा है। और इधर पर हमने इसको एक पॉट की तरह यूज़ किया है, तो आप देख सकते हैं कि बनने के बाद ये काफ़ी अच्छा लग रहा था। और इस तरह से आप पॉट की तरह इसको रख सकते हैं, और आप चाहें तो इसमें छोटे मोटे जो सामान होते हैं, जो कि अक्सर हमारे क्लिप्स वगैरह हैं या क्लैचर वगैरह हैं, तो वो इधर उधर हो जाते हैं और काफ़ी ढूंढना पड़ता है। तो इनको देखिए, इस तरह से हम स्टोरेज की तरह भी रख सकते हैं। तो बस जो छोटे मोटे सामान हैं इनको आप इसमें रखिए, और साथ में उसको आप ड्रेसिंग टेबल में अपने रख सकते हैं, और तुरंत आपको सामान मिल जाएंगे। और छोटे मोटे सामान अक्सर इधर उधर हो जाते हैं, तो देखिए ये एक जगह पर आप सारे सामान को रख सकते हैं। दूसरा जो है तो ये हमने लिया है मिठाई का डिब्बा, तो इससे भी हम एक DIY करेंगे। तो ऊपर की जो बॉर्डर थी तो इसको हमने कैंची से कट कर दिया है, और इसके बाद इसमें हम फेविकोल लगाकर और जो आइसक्रीम की स्टिक होती है तो इस पर हम लगा देंगे। ये बहुत ही इजी जो हमारे तीनों DIY हैं, लेकिन बनने के बाद ये काफ़ी खूबसूरत लग रहे थे। तो बस इनको फेविकोल की हेल्प से इस तरह से हम चिपका देंगे, और चिपकाने के बाद इसके बाद आप चाहें तो इसको ऐसे ही छोड़ दें, कलर ना करें, लेकिन हमने इधर पर रेड और वाइट कलर इस पर कर दिया था, जिसके कारण कि थोड़ा ये ज़्यादा सुंदर लगने लगा था। अब इसके बाद आप इसमें एक चाहे तो सुतली या फिर कोई भी डोरी वगैरह बांध लें, या रिबन वगैरह जो भी आपके पास है, तो आप इसको इस तरह से बांध लें, और इसको भी किसी भी तरह से आप डेकोरेट कर सकते हैं। इधर पर हमने एक ऊन का फ्लावर बना के और वो लगाया हुआ है, आपको दिखा दें कि इस तरह से लगाने पे थोड़ा सा इसका लुक चेंज हो जाता है। तो देखिए, इस तरह से आप इसमें लगा सकते हैं। तो देखिए, इधर पर आप इसको प्लांटर की तरह भी यूज़ कर सकते हैं, और साथ में इधर पर आप अपने इसमें कंघी वगैरह या फिर कोई दूसरी चीज़ है तो उसको भी रख सकते हैं। तो
चलिए अब बताना आपको है कि आज का हमारा DIY आपको कैसा लगा। अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करिएगा। चलिए फिर मिलते हैं एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए।